हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिक धामेलिया। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जेल के अंदर सजा की गिनती कैसी होती है। बहुत लोगों का ऐसा है कि अपने देश में जेल में रात दिन गिना जाता है, मतलब कि जिसको 10 साल की सजा है वो 5 साल में छूट जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। ऐसा कायदा जरूर था, जो पहले की बात आपको दिमाग में है, जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तब। लेकिन जेल में कैसा था, काली सब दीवारें थी, लाइट बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, यहाँ तक कि टॉयलेट का जो था वो भी अपने सर के ऊपर उठा के फेंकने जाना पड़ता था, टॉयलेट भी नहीं था। तो उसके बाद जब मोरारजी देसाई आए प्राइम मिनिस्टर, उसने जब जेल में सब फैसिलिटीज कर दिया, पंखे हो गए, लाइट हो गई, सब फैसिलिटीज हो गई, तो सजा में मतलब उसने फेरफार कर दिया। तो अभी सजा की गिनती कैसी होती है? तो वैसे तो सजा दो टाइप की रहती है, कि शादी कैद की सजा जो देते हैं उसमें कोई माफी नहीं मिलती। जैसे 10 साल की शादी कैद की सजा दिया, पूरा 10 साल उसको जेल में बिताना पड़ता है। एक बात अलग है कि जेलर साहब को ऐसा पावर दिया गया है कि उस किसी ने विशेष प्रकार की कोई सेवा दिया है जेल में तो उसकी माफी वो दे सकते हैं। जैसे कि किसी ने जेल में कोई कोने से सांप पकड़ लिया या कोई ऐसी सेवा कर दिया मतलब, तो उसको माफी दे सकते हैं, तो वो माफी कोई इतनी मिलती नहीं है। दूसरी सजा ऐसी होती है, सख्त टाइप की सजा होती है। सख्त सजा में पीली टोपी देते हैं, तो सख्त सजा में माफी मिलती है। तो मान लो कि एक कैदी को 10 साल की सख्त सजा हुई, तो सख्त सजा होने से पहले वो अंडर ट्रायल रहता है, उसका केस चलता है। तो मान लो कि 2 साल वो अंडर ट्रायल रहा, उसके बाद उसको सजा लगी, तो जो 2 साल रहता है वो जेल में जरूर गिने जाते हैं, लेकिन उसकी माफी नहीं मिलती। बाकी के बचे 8 साल, उसकी माफी जरूर मिलती है। तो माफी कैसे उसकी गिनती होती है, कि 1 महीने में 7 दिन की माफी मिलती है, तो साल का 12 महीना, तो 12 सत्तू 12 7 84, मतलब 84 डेज की 1 साल में माफी मिलती है। और एक महीने की एक्स्ट्रा माफी मिलती है। कैसे? वो कैदी ने कोई जेल में बवाल नहीं किया है, वो कैदी छुट्टी पे नहीं गया 1 साल में, तो 1 महीने की और एक्स्ट्रा माफी मिलती है। तो मतलब 84 प्लस 30 डेज, तो मतलब 114 दिन की उसको 1 साल की माफी मिलती है। तो समझ लो 10 साल में उसने 5 साल सलंग काट लिए, तो 5 साल के 114 दिन के हिसाब से 570 हुआ, 570 दिन की उसको माफी मिल जाती है। अब बीच में कहीं वो रजा पे गया है, तो छुट्टी पे है, तो छुट्टी में जाने की माफी कटती है। जैसे कि वो जनवरी में गया है छुट्टी पे 14 दिन की, तो जनवरी महीने में ही वो वापिस आ जाता है, तो उसकी 7 दिन की माफी कटती है। लेकिन जनवरी के एंड में अगर वो छुट्टी पे जाता है और फरवरी में आता है, तो उसकी जनवरी फरवरी 2 महीने की मतलब 7 7 दिन की 2 माफी, यानी कि 14 दिन की माफी कट जाती है। तो वो इतना लेट छूटता है, तो रेगुलर वो सजा काटता है, तो समझ लो कि 10 साल की सजा काटने में उसको 2 सवा 2 साल की माफी मिल सकती है, यानी कि पौने 8 साल में वो रिहा हो जाता है जेल से। और रही बात आजीवन जनपदीप या उम्र कैद की, तो उसमें जेलर के पास सत्ता नहीं है छोड़ने की, उसके लिए एक कमिटी बैठती है, उसमें कलेक्टर, कमिश्नर डीएसपी या फिर मानव अधिकार या सेशन जज, ऐसे सब कमेटी बैठती है। वो कमेटी सब अपना अपना अभिप्राय देती है, इसको छोड़ा जाए 14 साल के बाद कि नहीं। फिर वो अभिप्राय जाता है सरकार में, राज्य सरकार में, राज्य सरकार तय करती है इसको छोड़ना है कि नहीं। तो 14 साल के बाद उसका ये मतलब होता है कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना। हाल में तो बहुत उसने स्ट्रिक्टली कायदा हो गया है कि सरकार अभी छोड़ती ही नहीं है, 20 20 साल लोगों को हो गया है। पहले तो 14 साल के बाद छोड़ ही देती थी कि भाई इसने 14 साल काट लिया है, तो अभिप्राय भी दे देते थे और सरकार भी छोड़ देती थी। अभी उसमें कायदा बहुत स्ट्रिक्टली हो गया है, अभी छोड़ते नहीं है। तो इस टाइप की सजा की गिनती होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी ऐसे में वीडियोज बनाने वाला हूँ, तो मुझे फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।